हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जगह है सेल्फी ब्रिज के नाम से फेमस है। इस पुल में सब लोग आकर के सेल्फी लेते हैं, तो इस पुल का नाम ही सेल्फी ब्रिज पड़ गया है। हाय हाय, क्या कर रहे हो आप लोग? रोटी बना रहे। कैसा लग रहा है किचन में? बहुत अच्छा लग रहा है कुकिंग करते हुए। तो देख लो सब लोग, आप लोग भी बच्चे लोग देखो किचन में कुकिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दी, और ये बड़े ही इंटरेस्ट से रोटी बना रहे हैं दोनों जने, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ इन लोगों की कुकिंग। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। इन लोगों का ध्यान भी रखना जरूरी है क्योंकि गैस में काम कर रहे हैं ये लोग। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बोल दो तब तक के लिए। बाय। सो फ्रेंड्स, आज है 13 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के बाद मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और आज कलर का काम चल रहा है, तो ये देखिए सारा घर मेरा कैसा बिखर रहा है क्योंकि कलर चल रहा है घर में। तो कलर चेंज भी कराना है तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो फाइनली हमने ये कलर डिसाइड किया। तो एक कोट और होगा इसमें, उसके बाद मेरा रूम तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किचन भी हो चुका है मेरा। ये कलर हमने डिसाइड किया था किचन के लिए, मोस्टली किचन भी हो ही चुका है कलर। हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली कलर हो गया और किचन में भी हो चुका है कलर और रूम में भी हो चुका है कलर। और रूम ऐसा मतलब इतना कर लिया है हम लोगों ने सेट कि हम सो सके आराम से रात को। और किचन भी अभी उथल पुथल है, कुछ सामान रखा है कुछ नहीं रखा है। तो और जैसा कि आज शरद पूर्णिमा है, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और आज मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मैं फास्ट भी है मेरा और मुझे खीर भी बनानी, क्योंकि दिन भर से कुछ भी नहीं बन पाया। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैंने खाना बना लिया था, अब मैं बनाने जा रही हूँ खीर। और दोबारा से नहा भी ली हूँ, थोड़ी बहुत सफाई हो चुकी है, बाकी घर पूरा उल्टा है। तो मैं खीर बनाने जा रही हूँ, खीर बनाती हूँ, फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो आपसे मिलती हूँ। तो पहले खीर बना लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है भोग लगाने के लिए। और ज़रूरी थी खीर बनानी, हालांकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बनाने की कंडीशन नहीं थी, कमर भी बहुत दर्द हो रही थी, बट भोग लगाना तो ज़रूरी था। और खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर ही दिया है, तो जो भी चीज़ें मुझे मिली, ड्राई फ्रूट्स मेरे पास जितने भी अवेलेबल थे, जो भी मुझे मिले वो मैंने खीर में ऐड कर दिए थे। और मेरा तो फास्ट है, तो मैं तो कल ही टेस्ट कर पाऊँगी खीर, की प्रसाद लेना भी जरूरी है। सो फ्रेंड्स, खीर मेरी बन चुकी है। आज मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं बात करने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, और दूसरा मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। तो खीर मेरी बन चुकी है और खाना हम लोगों ने आज बाहर से ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं है खाना बनाने की, क्योंकि मैंने फास्ट तो मॉर्निंग में नहीं, दोपहर में खोल लिया था। और अभी मेरा खीर बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, तो खीर भोग में लगती है, तो खीर बनाना भी ज़रूरी था। तो उसमें भी टाइम लग गया क्योंकि साफ़ सफ़ाई की, थोड़ा बैठने लायक घर किया, उसके बाद खीर नहाया, फिर खीर बनाई। तो आज तो हालत ख़राब है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। और आज इतनी थकान है, वो मेरे फेस पे भी दिखाई दे रहा होगा। और बस मैं नहाई हूँ, कुछ भी नहीं लगाया फेस वेस में, और कमर का तो बैंड बजा हुआ है आज बुरी तरीके से। और आज तो इतना दर्द है कमर में कि नींद भी नहीं आनी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है सुबह से। क्योंकि 6 बजे से हम मॉर्निंग 6 बजे से लगे हुए थे रूम खाली करने में, और रूम का कलर आप देख सकते हैं हमने चेंज करवा दिया है, फास्ट येलो करवा ली एक ये जो वॉल है, और बाकी की जो 3 वॉल है वो लाइट शेड में रखी है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ा बहुत जितना सेट हुआ है वो आपको मैं दिखाऊंगी। और हो सकता है ये व्लॉग आज एंड ना हो, कल एंड हो, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत आपसे बात कर लेती हूँ। तो अभी आपको रूम दिखाती हूँ, फिर अगर हिम्मत हुई तो मैं आज से मिलूँ, क्योंकि आज मैं ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई और व्लॉग मेरे आ भी नहीं रहे थे। 2 वीडियो मैंने शॉपिंग हॉल वाले डाले थे बीच में, तो वो आ भी नहीं रहे थे मेरे व्लॉग। तो मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, काफ़ी दिन से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की है। तो अगर हिम्मत हुई तो मैं आपसे बात करने के लिए फिर आऊँगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं ब्लॉगिंग नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, तो कल ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आपको रूम दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जितना भी मैंने सेट किया। तो अभी आपको रूम दिखाती हूँ अपना।
सो फ्रेंड्स ये रूम आप देख सकते हैं और अभी बजे हैं रात के 9 और जितना कुछ हो पाया रूम में सेट हो पाया उतना हमने सेट कर लिया है जिससे इजीली हम सो पाए। और ये किचन आप देख सकते हैं, किचन की भी हालत ऐसी ही है, अभी एक दो दिन लगेंगे अभी सेट होने में इन सब चीज़ों को। तो आज है 14 अक्टूबर फ्रेंड्स, तो कल मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ उपमा, क्योंकि अतक को भी स्कूल जाना है और हस्बैंड को जाना है यूनिवर्सिटी, तो नाश्ते के लिए उपमा बना रही हूँ। ऑयल गरम हो चुका है, सॉरी घी गरम हो चुका है, राई तड़क चुका है, उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को ऐड कर दिया है और यहाँ पर दूसरी जगह मैंने मूंगफली दाना जो होता है ना गोटा, उसको कूट करके रखा था उपमा में डालने के लिए, तो इसे भी मैं सेक रही हूँ घी में और सूजी को भी सेक लेंगे अच्छे से इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में सेकना है इसे। और यहाँ पे हमारे टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हींग भी डाला था पहले, धनिया पाउडर है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम लोग इसमें सूजी और मूंगफली गोटा जो हमने सेक करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। सूजी में काफ़ी पानी चाहिए होता है क्योंकि सूजी पानी को सोख लेती है, तो 2 से 3 गिलास पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और हमारा उपमा बन करके तैयार हो जाएगा। और अर्ली मॉर्निंग तो काफ़ी जल्दी भी बन जाता है उपमा, और उपमा बच्चे भी खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो मैंने फटाफट से उपमा बना दिया था मॉर्निंग में। तो बस अब इसका पानी थोड़ा सा सूखने देंगे और ये हमारा जो उपमा है वो रेडी है। और इसमें मैं ऊपर से नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, काफ़ी टेस्टी बना था फ्रेंड्स सच में। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और आज है 14 तारीख और कल जो है मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, जैसा कि आपको बताया कलर चल रहा था तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और अभी मैंने आपको बताया मॉर्निंग में उपमा बनाया था ब्रेकफास्ट में, और अथक को भी मैं लेके आ गई हूँ, देखिए उसका बैग रखा है वो पीछे, और मैं ब्लाउज़ भी लेके आई थी अपने कुछ, क्योंकि मुझे मैंने कुछ साड़ियाँ ली हैं भाई की शादी के लिए, उसके ब्लाउज़ टेलर को दे रखे थे, तो रास्ते में ही टेलर पड़ता है, तो ब्लाउज़ भी लेकर के आई थी उनसे भैया से। और थको भी लिया, खाना मेरा बन चुका है लेकिन घर जो है वो बिल्कुल मैसी पड़ा है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको, पूरा घर मैसी पड़ा है अभी भी। और मुझे टेंशन हो रही कैसे होगा, पता नहीं कैसे चीज़ें सेट होंगी, दिवाली सर पर है। एक सेकंड में कैमरा सेट कर लेती हूँ, दिवाली सर पर है और मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी, इतनी टेंशन हो रही क्योंकि ब्रदर की शादी की तैयारियाँ अलग चल रही हैं, दिवाली सर पर है, करवा चौथ की मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है इस बार, ना ही मैं नई चूड़ियाँ लेके आ पाई हूँ। अभी जो मैं चूड़ियाँ वगैरह लेके आई हूँ सब ब्रदर की शादी के लिए लेकर के आई हूँ, करवा चौथ के लिए ना ही मेरे पास चूड़ियाँ हैं और ना ही इस बार मेरे पास कोई न्यू साड़ी आई है, क्योंकि हमेशा करवा चौथ में मैं मॉर्निंग में नई साड़ी पहनती हूँ और रात को मैं जब फास्ट हम खोल रहे हैं तब मैं हैवी साड़ी पहनती हूँ पूजा के वक्त में, तो इस बार मेरी न्यू साड़ी भी नहीं आई है करवा चौथ की। इतने सालों से मैं नई साड़ी कोरी साड़ी पहनती हूँ हमेशा करवा चौथ में, लेकिन इस बार वो भी नहीं आई है। और अभी आपको दिखाती हूँ कि हॉल की क्या हालत है, हॉल की भी बहुत ख़राब हालत है और मैं तो खुद इतनी थकी हुई, फेस पे भी स्वेलिंग आ रही है मेरे क्योंकि मुझे बीपी का भी प्रॉब्लम रहता है, तो इतनी थकान भी हो गई है, रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, आँखें भी अजीब हो गई हैं, डार्क सर्कल भी इतने ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं आँखों के आगे, पता नहीं दिवाली करवा चौथ में क्या होगा। तो अभी आपको हॉल दिखाती हूँ मैं एक बार, तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या हालत हो रखी है हॉल की, ये सारा सामान इधर उधर 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 हो रखा है और बिल्कुल भी सेट नहीं है, काफ़ी तो मैंने रात को कर लिया था, ये सारे कपड़े वपड़े ऐसे ही हो रखे हैं, किचन में उल्टी पुल्टी पड़ी है आप देख सकते हैं, सब ऐसे ही रखा है। और साथ ही साथ एक या दो रूम भी हम कराएं तो सारा घर बिखर जाता है, ये रूम भी ऐसे ही हो रखा है, ये भी बिखर गया क्योंकि सामान सारा कोई सामान कहीं हमने रख दिया, कोई सामान जल्दीबाजी में कहीं रख दिया, तो सारा ही घर बिखरा पड़ा है। सो
सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको हॉल दिखाया, किचन दिखाई, क्या हालत हो रखी है, और अब मैं बस काम में लगने वाली हूँ। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सेटिंग भी करनी है और सारी अलमीरा जो है मेरी वो भी सेट करनी है। तो इन सब में पता नहीं कितना टाइम लग जाना है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। और मेरी ब्रदर की शादी की तैयारियाँ भी नहीं प्रॉपर हो पाई हैं अभी तक, तो मुझे तो इतना टेंशन हो गया है कि मैं कैसे करूँगी सब कुछ। और इस बार तो बिल्कुल हिम्मत जवाब दे रही है मेरी कि कैसे होगा सब कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि खूब सारे काम रखे हैं तो वो भी करने ज़रूरी हैं। मिलती हूँ फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अच्छे से दिवाली मनाइएगा। और करवा चौथ है पहले, तो करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। हो सका तो करवा चौथ का जो व्लॉग होगा वो आप सबसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।